गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम सुरेश जी की BMW को सरेआम सब लोग को दिखाने जा रहे हैं। एक सपना जो आज से लगभग 2.5 साल पहले सुरेश ने देखा हमारे साथ, और आज भी मुझे ध्यान है जब हम शिफ्ट हुए थे काम करने के लिए वेस्टीज में जब आए थे तो ये बातें चल रही थी कि सपने पूरे होते हैं या नहीं। बहुत साल हो गए मैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन हाँ ठीक 2.5 साल बाद आज सुरेश जी ने आज अपनी BMW गाड़ी ली है। तो मैं चाहूंगा हम सब लोग मिलकर कंग्रेचुलेट करें एक बार दोबारा। यहाँ खड़ी है उसका घूंघट उतारने का टाइम आ गया है। एक बार सब लोग दिल पे हाथ रख के देखना स्टार्ट करें। वैसे तो अभी इस मौके पर क्या बोलूं मैं, क्योंकि एक कहावत है कि अगर किसी को पूछा जाए कि आप पानी बचपन से पीते आ रहे हो और पानी का आप स्वाद बता सकते हैं क्या, पानी का स्वाद कोई नहीं बता सकता। हम जबकि बचपन से पी रहे हैं, जिसकी जैसी प्यास होती है उसको वैसा ही स्वाद नजर आता है। तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं कि आज मेरे को क्या फीलिंग हो रही है वर्ड में बता नहीं सकता, क्योंकि ये सपना कई सालों से हम देखते आ रहे थे कि हमारे घर में भी ये होगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं मेरे बारे में जरूर बात करना चाहूंगा अभी इस मौके पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आज वीडियो को देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कामयाब होने के लिए हम क्या क्या कुछ करें और किस तरीके से हम कामयाबी पे जा सकते हैं, तो मैं मेरी स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है मेरी स्टोरी से आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिल पाए, हो सकता है आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा एक डिसीजन ले पाए। माय डियर फ्रेंड, जैसे सर ने नाम बताया, मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं राजस्थान जयपुर से रहने वाला हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास में मैं पैदा हुआ और 4 भाई बहनों का हमारा परिवार में मैं सबसे छोटा हुआ करता था। पढ़ाई लिखाई कोई मेरी खास थी नहीं, मैंने सरकारी स्कूल के अंदर 10th क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद मैं कुछ कमाई धमाई के लिए मैं मेरा गांव छोड़ करके जयपुर आया था। और मैंने बहुत लंबे समय तक RO लाइन में काम किया, जहाँ पे मेरी जो सैलरी हुआ करती थी वो लगभग 15,000 रुपया महीने के आसपास हुआ करती थी। और 15,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कभी सपने देखता नहीं है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं रोजी रोटी का जुगाड़ भी ढंग से नहीं हो पा रहा होता है। और चलते चलते मैं इस इंडस्ट्री में आया और इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये सपने देखना शुरू किए कि हाँ कोई व्यक्ति यहाँ से लाखों रुपया कमा सकता है, गाड़ी कमा सकता है, अपनी लाइफ को लग्जरी जी सकता है। और मैं थैंकफुल रहूँगा कि आज के लगभग 5 साल पहले यानी जनवरी 2015 के अंदर मेरे को एक शख्स से मुलाकात होती है जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान साहब है। इनसे मेरी मुलाकात होती है और इनसे मुलाकात करवाने वाले मेरे अपलाइन भी यही है, राजेश सरन साहब। फेसबुक से दोस्ती होती है और वो दोस्ती आज यहाँ तक पहुँच गई। और सर से मैं मिला और उसके बाद तो सपने कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में देखे थे। सर ने मेरे को बार बार लिखाया कि आप अपने सपने लिखिए। और उस टाइम मेरे को समझ में भी नहीं आता था कि सपने लिखने से क्या रियल में पूरे होते हैं। और मैंने सपने लिखना शुरू किया। और अगर आज मैं स्टोरी को शॉर्ट करूँ, जहाँ पे मैं जयपुर में एक 8x8 के किराए के कमरे में रहा करता था, आज अगर मैं बात करूँ वेस्टीज की, तो वेस्टीज में आए हुए मेरे को लगभग 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल पहले मैं शिवराज सर और राजेश सारण जी, हम सब लोग राजीव शर्मा जी के सानिध्य में हमने वेस्टीज करना शुरू किया था। और जहाँ 8x8 के रूम में रहता था, आज जयपुर शहर के अंदर मेरे 2 घर हैं, जिसमें एक मैंने बंगलो परचेज किया है आज ही के दिन 23 अक्टूबर 2019, यानी फिक्स आज के 1 साल पहले। आज ही के दिन 23 अक्टूबर 2019 को मैंने वेस्टीज के हाउसबंड इनकम के माध्यम से जयपुर में लगभग 60 लाख रुपीज का एक बंगलो परचेज किया था। और जहाँ पे मैं कमरे किराए के कमरे में था, आज मेरा खुद का बंगलो बना वेस्टीज के माध्यम से। और जहाँ पे मैं 2 सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल पे चला करता था जब मैं जॉब किया करता था। और आज इस इंडस्ट्री की पावर है कि आज मेरे पास 4 कार ऑलरेडी है और ये 5वीं कार आज BMW में है। आज वेस्टीज के अंदर है जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मेरा लेवल है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी मीटिंग्स में कि मैं मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जो एरोप्लेन में बैठा, और सिर्फ एरोप्लेन में ही नहीं बैठा, इस वेस्टीज के ट्रेवल फंड के माध्यम से राजीव सर के साथ, शिवराज सर के साथ मेरे को यूरोप जाने का मौका मिला। मैं जर्मनी घूम के आया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कुछ यूरोपियन कंट्री में घूमने का मौका मिला। और आज लाखों रुपए जैसी आमदनी है, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का मेरा पर मंथ का चेक है जो यहाँ से आ रहा है। और इस मौके पर मैं मेरे अपलाइन राजेश सारण जी, शिवराज सर और हमारे राजीव शर्मा जी का बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा। हमेशा एहसान बंद रहेंगे कि इनकी गाइडलाइन और इनके टीम आत्मनिर्भर का हिस्सा बनने के बाद
जो एजुकेशन इन्होंने मेरे को दी और जो सिस्टम उन्होंने बताया उसके बाद हम चलते चले गए और आज ये सब कुछ हासिल हुआ। और एकता मैडम हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी है, मेरी टीम को बहुत कुछ ये सिखाते हैं। तो आज के इस मौके पर यही कहूँगा कि ये जो गाड़ी है ये पूरी टीम आत्मनिर्भर की है, ये सिर्फ मेरे कारण नहीं आई है। सरकार, राजीव सरकार, जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम के कारण और सर ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा करते चले गए और आज ये सब कुछ चीजें हासिल होती थी। तो थैंक यू आज के इस मौके पर। मैं एक लाइन और बोलूंगा, देखो इंडिया में मोदी साहब बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यस यस, तो हम सेल्फ रिलायंट सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये मोदी साहब चाहते हैं। मोदी साहब प्रधानमंत्री है हमारे हिंदुस्तान के और MLM के प्रधानमंत्री है हमारे माननीय महोदय श्री 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 गौतम वाली जी। और उनका कहना यह है कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान से बढ़िया कहीं कुछ नहीं हो सकता। हमने देखा है कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो माननीय मोदी जी भी यही बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, माननीय वाली सर भी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान करो और टीम आत्मनिर्भर तो हम है ही। तो टीम आत्मनिर्भर की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वैसे बोलने में बहुत माहिर है, बताते रहते हैं, आज भी बोल सकते हो आप। और कोई शब्द याद नहीं आ रहा, उसकी शक्ल देख लो। वैसे मैडम सीने आप नहीं बोलती, बोलिए बोलिए, आप अपनी फीलिंग शेयर करो, आपको कैसा लगा? मेरा नाम ऋतु शर्मा है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि गौतम वाली जी सर ये कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, और अगर हम सोचेंगे नहीं तो सपनेंगे, सपने कहाँ से देखेंगे, और सपने नहीं देखेंगे तो हम आगे की प्लानिंग क्या करें, और प्लानिंग क्या करेंगे, बस वो हमारे को यही चाहिए कि ये खुशी के आंसू है और BMW का सपना पूरा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये लाखों लोगों के हजारों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन होती है, एक सपना होता है। और आज इस फैमिली का ये सपना पूरा हो चुका है, बस अब आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अपनी टीम के अंदर लाइन लगा देनी है इस गाड़ी की। ओके जी, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, अब मिलते हैं ऑफिस में। थैंक यू।